नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे फलाहारी पनीर पकौड़ा। बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनकर तैयार होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पनीर पकौड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले बैटर बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने आधा कप सवा के चावल पानी में भिगोकर और पानी हटा दिया, इसके बाद पीस कर ले लिए हैं। तो सवा के चावल ये बिल्कुल बारीक चावल होते हैं, ये व्रत में खाए जाते हैं। इन्हें समा के चावल, सामक चावल, मोरधन अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। बहुत ही बारीक चावल होते हैं। और ये हमने एक चौथाई कप सिंघाड़े का आटा लिया है। तो सिंघाड़े का आटा हम इस चावल के आटे में मिलाएंगे। अकेले चावल के आटे से भी पकौड़े बनाए जा सकते हैं, अकेले सिंघाड़े के आटे को भी घोल कर बैटर बना कर पकौड़े बना सकते हैं, लेकिन हम दोनों को मिलाकर पकौड़े बना रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे पकौड़े बनेंगे। तो ये हमने चावल के पेस्ट में ही सिंघाड़े का आटा मिला दिया। अब दोनों को अच्छे तरीके से मिलने तक हम मिलाएंगे। पेस्ट गाढ़ा हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं, या फिर इसमें हम कूटू का आटा भी ले सकते हैं, रामदाने का आटा भी ले सकते हैं। तो कोई भी आटा ले सकते हैं जो व्रत में खाए जाते हैं। आटे का पेस्ट हमने बना लिया। आधा कप समा के चावल बिना पानी डाले पीसे थे, और जो चौथाई कप सिंघाड़े का आटा हमने इसमें डाला उसके लिए पानी का यूज किया, तो दो छोटे चम्मच पानी बच गए हैं। हमने चौथाई कप पानी लिया था। और ये हमने जो पेस्ट बनाया है वो रनिंग कंसिस्टेंसी का है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। चौथाई छोटी चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत का नमक डालेंगे। ये हमने एक हरी मिर्च बारीक काट ली है, वो भी डाल देते हैं। और ये दो टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलने तक मिलाएंगे। मसाले अगर आप बहुत कम खाते हो तो आप हरी मिर्च, हरा धनिया छोड़ सकते हैं, सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक भी बैटर में डाला जा सकता है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। पकौड़े तलने के लिए हम तेल गर्म करने के लिए रख देते हैं। गैस ऑन कर देते हैं, मीडियम गैस रखेंगे। अब हम पनीर को काट कर तैयार करेंगे। हमने 400 ग्राम पनीर लिया है, तो पनीर को हम अपने मनपसंद साइज के टुकड़ों में काटेंगे। ये हमने पनीर के पीसेस बना लिए। और ये जो काली मिर्च है एक चौथाई छोटी चम्मच, और आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक, ये हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमने पनीर के अंदर डालने के लिए मसाला तैयार कर लिया। तो पनीर के टुकड़े को हम लेंगे और इस तरीके से आधा करते हुए काटेंगे, लेकिन नीचे से हल्का सा जुड़ा हुआ छोड़ देंगे। और इसमें हम मसाला डालेंगे ताकि पनीर के अंदर से भी हमें मसाले का टेस्ट आए। व्रत की चटनी भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ये हमने सब मसाला लगाया और वापस पनीर को इस तरीके से दबा कर रख देते हैं। ये हमने सारे पनीर के टुकड़े मसाला लगा कर तैयार कर लिए। तेल चेक कर लेते हैं। तो ज़रा सा बैटर हम तेल में डालकर देख लेते हैं। तो बैटर अच्छा सिक कर ऊपर आ रहा है, तेल गर्म है। हम पकौड़े डालते हैं तलने के लिए। बैटर को एक बार और चला लेते हैं, क्योंकि चावल का आटा बहुत जल्द नीचे बैठता है, तो हमें बैटर चला लेते हैं। अब हम एक पनीर का टुकड़ा बैटर में डालेंगे और उसे चारों ओर से इसके बैटर को लपेट लेंगे। चम्मच का यूज करके इस तरीके से एक्स्ट्रा बैटर हटा देंगे और पनीर के टुकड़े को कढ़ाई में तलने के लिए डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे पनीर के टुकड़ों को बैटर में लपेट कर तलने के लिए डालेंगे। और इन्हें पलट पलट कर हम चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। पकौड़े चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन दिख रहे हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। पकौड़े इस तरीके से हम कलछी के ऊपर रखेंगे निकाल कर। थोड़ी सी देर के लिए कलछी को कढ़ाई के किनारे पर रोक लेंगे
ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। पकौड़े निकाल कर प्लेट पर रखते हैं। बाकी के पकौड़े भी हम इसी तरीके से तल कर तैयार करेंगे। जो पकौड़े हमें नीचे से ब्राउन दिखेंगे उन्हें पलट देंगे। ये हमने सारे पनीर पकौड़े तलकर तैयार कर लिए और एक बार के पकौड़े तलने में करीब 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। और ये जो बैटर बच गया है इसके हम पकौड़ियाँ तल सकते हैं या चीला बना सकते हैं। गर्मा गर्म फलाहारी पनीर पकौड़े खाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं। इन्हें आप दही, हरे धनिए की फलाहारी चटनी, मीठी फलाहारी चटनी के साथ में परोस सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।